हेलो, मैं सी आनंद बारपुते आज आपको इलेक्ट्रॉनिक वे बिल इसके बारे में अवगत कराऊंगा। ये कंपलसरी हो चुका है और ये जरूरी है कि हर एक व्यापारी इसके बारे में जानकारी डिटेल में रखे। तो चलिए चालू करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक वे बिल, दैट इज ई वे बिल। इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो कोई भी गुड्स जो है उसका मूवमेंट होने से पहले, प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स, ई वे बिल कब निकालना है? प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स निकालना है। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन हु कॉजेस मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ कंसाइनमेंट वैल्यू एक्सीडिंग 50,000 रुपीज बहुत जरूरी है कि जो भी मूवमेंट 50,000 के गुड्स की जो वैल्यू है इसके ऊपर होती है उसके लिए ई वे बिल मैंडेटरी होता है। इन रिलेशन टू सप्लाई, चाहे सप्लाई के बारे में, फॉर रीजंस अदर देन सप्लाई, चाहे सप्लाई को छोड़ के और कोई रीजन हो तो उसके बारे में, या ड्यू टू इनवर्ड सप्लाई। तो अगर इनवर्ड सप्लाई भी हो रहा है, यानी आप गुड्स परचेस कर रहे हो, गुड्स आपके पास आ रहा है लेकिन कहां से आ रहा है? अनरजिस्टर्ड पर्सन, तो भी जिम्मेदारी किसकी है? तो भी जिम्मेदारी रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर डाली गई है। किसकी? ई वे बिल की। शैल बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट फर्निश इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू सेड गुड्स इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी INS-1 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल। तो जो इंफॉर्मेशन ई वे बिल की भरनी है वो कहां भरनी है? पोर्टल पे, जीएसटी के पोर्टल पे, पार्ट ए ऑफ जीएसटी INS-1 में भरनी है। वेयर द गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, ए कंसाइनर और रेसिपियंट ऑफ सप्लाई एज द कंसाइनी, वेदर इन हिज ओन कन्वेंस और हायर्ड वन, द सेड पर्सन और द रेसिपियंट में जनरेट ई वे बिल इन जीएसटी INS-1 इलेक्ट्रॉनिकली ऑन कॉमन पोर्टल आफ्टर फर्निशिंग इंफॉर्मेशन इन पार्ट बी फॉर्म जीएसटी INS-01। यानी इसमें यह कहा गया है कि आइदर द सेंडर ऑफ द गुड्स और द रिसिपियंट ऑफ द गुड्स, इनका ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने ये पार्ट बी ऑफ फॉर्म जीएसटी INS-01 इसमें ये इन्होंने ई वे बिल जनरेट करना चाहिए। या फिर वेयर ई वे बिल इज नॉट जनरेटेड अंडर क्लॉज ए, ये क्लॉज ए के अंडर अगर ई वे बिल जनरेट नहीं किया, यानी रेसिपियंट ने या सेलर ने वो ई वे बिल जनरेट नहीं किया, तो एंड गुड्स आर हैंडेड ओवर टू ट्रांसपोर्टर, और ट्रांसपोर्टर को बगैर ई वे बिल दिए हुए अगर वो गुड्स हैंड ओवर किए तो द रजिस्टर्ड पर्सन शैल फर्निश द इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी ऑफ जीएसटी INS-1। तो रजिस्टर्ड पर्सन ने क्या करना चाहिए? फर्निश करनी चाहिए इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू ट्रांसपोर्टर इन पार्ट बी ऑफ जीएसटी INS-01 ऑन द कॉमन पोर्टल एंड द ई वे बिल शैल बी जनरेटेड बाय ट्रांसपोर्टर। फिर इसकी जिम्मेदारी किसकी है? ट्रांसपोर्टर की है कि ट्रांसपोर्टर ने वो ई वे बिल जनरेट करना चाहिए ऑन द सेड पोर्टल ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी INS-1। रजिस्टर्ड पर्सन ने जो इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर को दी है उसके आधार पर ट्रांसपोर्टर ने ई वे बिल जनरेट करना चाहिए। एक बात पक्की है कि बगैर ई वे बिल का 50,000 के से ज्यादा गुड्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकता है। तो पहले ई वे बिल किसने निकालना चाहिए? एक तो जो भेज रहा है, यानी जो सप्लाई कर रहा है, यानी जो सेल कर रहा है, उसने ये निकालना चाहिए। अगर वो सप्लाई करने वाला जो है किसी अनरजिस्टर्ड डीलर से परचेस करता है तो भी सप्लाई जो मतलब जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसकी ये जिम्मेदारी बनती है। और
ट्रांसपोर्टर तो किसी भी हालत में बगैर ई वे बिल का तो ट्रांसपोर्ट ही नहीं कर सकता। अगर सप्लायर उसको ट्रांसपोर्टेशन ये करते समय ई वे बिल नहीं दे रहा है तो ये जिम्मेदारी ट्रांसपोर्टर की बनती है कि ट्रांसपोर्टर ई वे बिल अपना खुद निकाले ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, प्रोवाइडेड दैट द रजिस्टर्ड पर्सन or as the case may be the transporter may at his option generate and carry e-way bill even if the value of consignment is less than 50,000. अगर 50,000 से कम है तो भी वो लोग e-way bill निकालना है तो निकाल सकते हैं, पर mandatory compulsory कब है, जब transport 50,000 से ज्यादा goods का हो रहा है। Provided further that where the movement is caused by an unregistered person, either in his own conveyance, अभी ये conveyance करने वाला मतलब जो movement करने वाला जो है वो unregistered person होगा और खुद के conveyance में भेज रहा है या hired one, through the transporter, he or the transporter may at their option जनरेट ई वे बिल इन फॉर्म जीएसटी आईएनएस 01। अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन भी मूवमेंट कर रहा है तो भी उसको जीएसटी आईएनएस 1 में ई वे बिल निकालना जरूरी ऑन द कॉमन पोर्टल इन द मैनर प्रिस्क्राइब इन दिस रूल। कैसे निकालना है, रूल के तहत जो इंफॉर्मेशन जो बोला है उसके तहत ई वे बिल निकालना है। एक्सप्लेनेशन, फॉर द पर्पज ऑफ दिस सब क्लॉज where the goods are supplied by an unregistered supplier to a registered, मतलब supply कौन कर रहा है, unregistered person कर रहा है, किसको कर रहा है, registered जो GST के अंतर्गत registered है उसको कर रहा है, the movement shall be said to be caused by such recipient if the recipient is known at the time of commencement of movement of goods। क्या बोल रहे, the movement shall be said to be caused by such recipient, recipient की वजह से movement हो रहा है, if the recipient is known at the time of commencement of movement of goods, अगर recipient known है commencement of goods तो ये माना जाएगा कि ये जो transportation हो रहा है वो recipient की वजह से हो रहा है। accordingly upon generation of e-way bill on the common portal, a unique e-way bill number EBN shall be made available to the supplier, the recipient and the transporter on the common portal. तो ये जो unique e-way bill के बारे में बताया है EBN number, तो ये EBN number system generate करेगी किसके लिए, supplier के लिए, रेसिपिएंट के लिए और ट्रांसपोर्टर के लिए, सभी के यूज के लिए ईबीएन जनरेट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक जो नंबर है वो जनरेट हो जाएगा। एनी ट्रांसपोर्टर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन कन्वेयंस टू अनदर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट शल बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स जनरेट अ न्यू ई वे बिल on the common portal in form GST INS 1 specifying therein the mode of transport. इसमें क्या कहा है, the transporter transferring goods from one conveyance to another, एक conveyance से दूसरे conveyance में जा रहा है, in the course of transit, यानी जो है ट्रक से लॉरी में जा रहा है माल, ट्रक से कोई टेम्पो में जा रहा है, before such transfer, ट्रांसफर करने से पहले एंड फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स, फर्दर मूवमेंट ऑफ गुड्स करने से पहले जनरेट ई वे बिल ऑन अ कॉमन पोर्टल इन फॉर्म जीएसटी आईएनएस 1 स्पेसिफाइंग देयर इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो पहला जो ई वे बिल जनरेट किया था जो पहले मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में किया था, समझो ट्रक में जा रहा था, तो वो एप्लीकेबल थ्रू ट्रक था, ट्रक से माल उठा करके अगर हमने टेम्पो में डाला तो नेक्स्ट ई वे बिल जनरेट करना है कब, बिफोर मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम टेम्पो, ठीक है, वेयर मल्टीपल कंसाइनमेंट्स आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेयंस, अलग अलग कंसाइनमेंट्स, मैंने कंसाइनमेंट पहले 100 किलो केजीज का,
फिर दूसरा एक 150 केजीज का, तीसरा 200 केजीज का कंसाइनमेंट कर रहे. कंसाइनमेंट इन मल्टीपल कंसाइनमेंट आर इंटेंडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन वन कन्वेंस, एक ही ट्रक में वो लोड कर रहे. द ट्रांसपोर्टर शेल इंडिकेट द सीरियल नंबर ऑफ ई वे बिल जनरेटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच सच कंसाइनमेंट इलेक्ट्रॉनिकली ऑन द कॉमन पोर्टल एंड कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन फॉर्म जीएसटी आईएनएस 2 शेल बी जनरेटेड बाय हिम ऑन द कॉमन पोर्टल प्रायर टू मूवमेंट ऑफ गुड्स. यानी अलग अलग कंसाइनमेंट एक ही ट्रांसपोर्ट के व्हीकल में अगर ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं तो भी जीएसटी में ई वे बिल निकालना पड़ेगा. पर कौन से फॉर्म में निकालना पड़ेगा? ये फॉर्म जीएसटी आईएनएस 2 में निकालना पड़ेगा. ठीक है. प्रोवाइडेड दैट वेयर द कंसाइनर हैज नॉट जनरेटेड फॉर्म जीएसटी आईएनएस 1 इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ सब रूल 1 एंड द वैल्यू ऑफ गुड्स कैरिड इन द कन्वेंस इज मोर देन 50,000 रुपीज, the transporter shall generate form GST INS 01 on the basis of invoice or bill of supply or delivery chalan as the case may be and also generate a consolidated e-way bill in form GST INS 2 on the common portal prior to movement of goods. Yani kya kya hai? Provided where the consignor has not generated GST 1. जो कंसाइनर है उसने जीएसटी आईएनएस 1 निकाला ही नहीं. 50,000 के ऊपर एंड द ट्रांसपोर्टर जनरेट, यानी कंसाइनर ने नहीं निकाले लेकिन ट्रांसपोर्ट जो कर रहा है तो ट्रांसपोर्ट की टोटल वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो फिर क्या करना चाहिए? ट्रांसपोर्टर शेल जनरेट जीएसटी आईएनएस 01 ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई ऑफ डिलीवरी चलन एज द केस मे बी एंड ऑल्सो जनरेट कंसोलिडेटेड ई वे बिल इन फॉर्म जीएसटी आईएनएस 02 ऑन द कॉमन पोर्टल प्रायर टू मूवमेंट ऑफ गुड्स. यानी ट्रांसपोर्टर ने फिर जीएसटी आईएनएस 1 भी बनाना चाहिए और जीएसटी आईएनएस 2 भी बनाना चाहिए. कब? जब कंसाइनर उसको जनरेट करके नहीं देता है लेकिन टोटल वैल्यू ऑफ ट्रांसपोर्ट 50,000 से ज्यादा होती है तो. नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन फर्निश्ड इन पार्ट ए ऑफ फॉर्म जीएसटी आईएनएस 01 शेल बी मेड अवेलेबल टू द रजिस्टर्ड सप्लायर ऑन द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म जीएसटीआर आईआर 1. The information furnished in Part A of Form GST INS 1 shall be made available to the registered supplier on the common portal who may utilize the same for furnishing details in Form GSTR 1. Provided that where information has been furnished by an unregistered supplier in Form GST INS 01, he shall be informed electronically if mobile number or the mail is available. Unregistered supply ने अगर information furnish की है inform GST INS 1 तो he shall be informed electronically if the mobile number or email is available. Where e-way bill has been generated under this rule but are not being transported or are not being transported as per the details furnished in e-way bill, the e-way bill may be cancelled electronically on the common portal either directly or through a facilitation center notified by commissioner within 24 hours of generation of e-way bill. Yani e-way bill nikala aur goods transport hi nahi kiye to kya hoga? तो 24 आवर्स के अंदर वो जो जनरेट किए वाला ई वे बिल है उसको कैंसिल करना पड़ेगा. प्रोवाइडेड दैट एन ई वे बिल कैनॉट बी कैंसल्ड इफ इट हैज बीन वेरीफाइड इन ट्रांजिट इन अकॉर्डेंस विद प्रोविजंस ऑफ रूल 3. रूल 3 के तहत अगर ये जो रूल 3 है, रूल 3 में क्या कहा गया है? ट्रांसपोर्टर ट्रांसफरिंग गुड्स फ्रॉम वन कन्वेंस टू अनदर इन द कोर्स ऑफ ट्रांजिट शल बिफोर सच ट्रांसफर एंड फर्दर ऑन द कॉमन पोर्टल इन फॉर्म जीएसटी 1 स्पेसिफाइंग देयर इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट.
एक के मोड से दूसरे कन्वेंस के मोड के बारे में जीएसटी का जो ये रूल 3 बोलता है, ये भी बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड। अगर इस केस में जो रूल 3 के अंतर्गत जो ईवे बिल निकाला गया है, उस केस में अगर प्रोवाइडेड ईवे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड इफ इट हैज बीन वेरीफाइड, अगर ट्रांजिट के दौरान वो वेरीफाई हो गया है, तो फिर ये ईवे बिल कैंसल नहीं किया जा सकता है। रूल 7, एन ईवे बिल और कंसोलिडेटेड ईवे बिल जनरेटेड अंडर दिस रूल शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड एज मेंशनड इन कॉलम 3 ऑफ द टेबल बिलो फ्रॉम रिलेवेंट डेट फॉर द डिस्टेंस द गुड्स हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड एज मेंशनड इन कॉलम 2। तो हम ये कॉलम 2 में जो देख रहे हैं वो वैलिडिटी बताता है, ठीक है। जैसे कि डिस्टेंस लेस देन 100 किलोमीटर है तो ये ईवे भी वैलिड रहेगा एक दिन के लिए। 100 किलोमीटर्स और मोर देन मोर लेस देन 300 किलोमीटर्स तो ये ईवे बिल है जो 3 डेज के लिए वैलिड रहेगा। हर एक 100 किलोमीटर के लिए एक दिन दिया जाएगा। 300 किलोमीटर्स और मोर देन लेस देन 500 किलोमीटर्स वो ईवे बिल 5 डेज के लिए वैलिड रहेगा। 500 किलोमीटर्स और मोर देन लेस देन 1000 किलोमीटर्स 10 डेज वैलिडिटी पीरियड उसका रहेगा। 1000 किलोमीटर्स और मोर 50 डेज उसका वैलिडिटी रहेगा। अगर 1000 से ज्यादा किलोमीटर्स रन कर रहा है तो उस ईवी बिल का वैलिडिटी 15 दिन रहेगा। प्रोवाइडेड दैट कमिश्नर मे बाय नोटिफिकेशन एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ ईवे बिल फॉर सर्टन कैटेगरीज ऑफ गुड्स एज मे बी स्पेसिफाइड। कमिश्नर को अधिकार है कि किसी गुड्स के बारे में वो लोग ईवे बिल का वैलिडिटी पीरियड बढ़ा सकते हैं। फॉर द पर्पस ऑफ दिस रूल द रिलेवेंट डेट शैल मीन द डेट ऑन विच ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड एंड द पीरियड ऑफ वैलिडिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट विच द ईवे बिल हैज बीन जनरेटेड। The details of E under sub rule 1 shall be made available to the recipient if registered on the common portal who shall communicate his acceptance or rejection of the consignment covered by the e-way bill. Where the recipient referred to in sub clause 8 does not communicate his acceptance or rejection within 72 hours of details being made available to him on the common portal, it shall be deemed that he has accepted the said details. अगर recipient को भी ये e-way bill में जो details है उसको accept करने पड़ते हैं, अगर उसने accept नहीं किए हैं तो क्या होगा, तो it will be assumed that he has accepted the details filled by the ईवे बिल जिसने बनाया है, उसने फिल जो किया है वो इस रेसिपिएंट ने एक्सेप्ट कर लिया, ऐसा अज्यूम किया जाएगा। द ईवे बिल जनरेटेड अंडर रूल 1 ऑफ जीएसटी रूल ऑफ जीएसटी रूल ऑफ एनी अदर स्टेट शैल बी वैलिड इन द स्टेट। इसके अलावा जो जीएसटी के सीजीएसटी के रूल्स बनाए जाते हैं ईवे बिल के बारे में वो उस स्टेट के तहत वैलिडिटी रहेगी उसकी। The facility of generation and cancellation of e-way bill may also be made available through SMS. ये facility जो है SMS से भी available हो जाएगी। अभी हम लोग दूसरा chapter जो है उसकी ओर चलते हैं। वो chapter का नाम है Documents and Devices to be carried by person in charge of conveyance. तो ये कौन से documents है? अभी हम लोग देखते हैं डॉक्यूमेंट्स एंड डिवाइसेस टू बी कैरिड बाय पर्सन इन चार्ज ऑफ अ कन्वेंस। जो कन्वेंस का इंचार्ज है, ट्रांसपोर्टर, ड्राइवर, जो भी है कन्वेंस का इंचार्ज, उसने कौन से डॉक्यूमेंट उसके साथ में रखने चाहिए। द पर्सन इन चार्ज ऑफ कन्वेंस शैल कैरी द इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई और डिलीवरी चलन एज द केस मे बी। एक तो डिलीवरी चलन या इनवॉइस या बिल ऑफ सप्लाई उसने रखना चाहिए।
a copy of e-way bill or e-way bill number, either physically or mapped to a radio frequency identification device, RFID, embedded on the conveyance in such a manner as may be notified by the commissioner. यानी एक ई-वे बिल की कॉपी उसने साथ में रखनी चाहिए. A registered person may obtain an invoice number common portal by uploading on the said portal a tax invoice issued by him in form GST INV1 and produce the same for verification by the proper officer in lieu of tax invoice, and such number shall be valid for a period of 30 days from the date of uploading. Where the registered person uploads the invoice under subrule 1, the information in part A of GST INS-01 shall be auto-populated by the common portal on the basis of information furnished in GST INV-1. A commissioner may, by notification, require a class of transporter to obtain a unique RFID and get the said device embedded on the conveyance and map the e-way bill to the RFID prior to the movement of goods. Contained in clause B of subrule 1, where circumstances so warrant, the commissioner may by notification require the person in charge of conveyance to carry the following document instead of e-way bill: tax invoice or bill of supply or bill of entry, delivery challan where the goods are transported other than by way of supply. अभी हम लोग इंपॉर्टेंट चैप्टर ये पढ़ेंगे, वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड कन्वेंस. तो जो कन्वेंस जो ट्रांसपोर्ट जा रहा है उसका वेरिफिकेशन कैसे होगा, क्या होगा, उसके बारे में ये रूल्स बताते हैं. द कमिश्नर और एन ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ मे ऑथोराइज द प्रॉपर ऑफिसर to intercept any conveyance to verify the e-way bill on the e-way bill number in physical form for all interstate and intrastate movement of goods. Yani commissioner ne authorize kiya hua koi bhi authority vyakti officer wo koi bhi jo hai transport ka jo vehicle hai jo within state ya out of state ke jane wala jo vehicle hai usko रुकवा सकता है, इंटरसेप्ट कर सकता है. द कमिश्नर शैल गेट आरएफआईडी रीडर्स इंस्टॉल्ड एट प्लेसेस वेयर वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट्स ऑफ गुड्स इज रिक्वायर्ड टू बी कैरिड आउट एंड वेरिफिकेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ व्हीकल्स शैल बी डन थ्रू सच आरएफआईडी रीडर्स वेयर ई-वे बिल हैज बीन मैप्ड विथ आरएफआईडी. जब ई-वे बिल RFID के साथ कनेक्ट करके इशू किया जाता है तो RFID रीडर वो इंस्पेक्टर के पास चाहिए और उससे क्या होगा, ही कैन रीड ड्यूर, वो व्हीकल को रुकवाने की भी जरूरत नहीं, RFID से वो रीड कर लेगा. फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ कन्वेंस शैल बी कैरिड आउट बाय द प्रॉपर ऑफिसर एज ऑथोराइज बाय कमिश्नर और एन ऑफिसर एम्पावर्ड बाय हिम इन दिस बिहाफ. या फिर फिजिकल वेरिफिकेशन वो लोग कर सकते हैं. प्रोवाइडेड दैट ऑन द रिसीट ऑफ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑफ इवेजन ऑफ टैक्स फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ स्पेसिफिक कन्वेंस कैन आल्सो बी कैरिड आउट बाय एनी ऑफिसर आफ्टर ऑब्टेनिंग नेसेसरी अप्रूवल ऑफ द कमिश्नर और एन ऑफिसर ऑथराइज बाय हिम इन दिस बिहाफ. कमिश्नर के अप्रूवल के बाद वो उसको अगर कोई शक है उसके बारे में कि टैक्स का इवेजन हुआ है, चोरी हुआ है, तो वो पूरा जो है ट्रांसपोर्ट का जो गुड्स व्हीकल इंटरसेप्ट करके वेरिफिकेशन कर सकता है.
facility for uploading information regarding detention of vehicle. Where a vehicle has been intercepted and detained for a period exceeding 30 minutes, the transporter may upload the same information in form GST INS 04 on the common portal. व्हीकल अगर डिटेन हुआ तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है पर्सन इन चार्ज ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो अपलोड कर सकता है. उसके लिए जो फॉर्म है वो फॉर्म है जीएसटी आईएनएस 01. इस फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन ये सारी दे सकता है. अभी ई वे बिल अगर नहीं इश्यू करेंगे तो पेनल्टीज क्या लगेगी? तो As per section 122 of CGST Act 2017, a taxable person who transports any taxable goods without the cover of specified documents, e-way bill is one and will be liable to penalty of 10,000 or the tax sought to be evaded, whichever is greater. यानी 10,000 रुपए या टैक्स सॉट टू बी इवेडेड, टैक्स जितना इवेड किया है वो तो लगेगा ही, उसके साथ उतना ही पेनल्टी भी लगेगा. एनी गुड्स नॉट लिस्टेड इन जीएसटी ईवे बिल दैट इज फाउंड बीइंग ट्रांसपोर्टेड और स्टोर्ड विल बी लायबल टू डिटेंशन और सीजर एज पर सेक्शन 129 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017. यानी जो मेंशन नहीं किया है ईवे बिल में ऐसा कोई भी गुड्स सीजीएसटी एक्ट के तहत सीधा डिटेन किया जाएगा, गवर्नमेंट के पास जब्ती हो जाएगी उसकी. ठीक है, तो ये पेनल्टीज है और इसलिए हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ई वे बिल को सीरियसली लीजिए, ई वे बिल इशू कीजिए. कोई भी 50,000 के ऊपर कोई भी आप ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं तो आप ई वे बिल इशू कीजिए. अगर अनरजिस्टर्ड डीलर से भी परचेस कर रहे हैं, उसको ये सब कुछ मालूम नहीं है, तो भी ई वे बिल की जिम्मेदारी आपकी है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड डीलर से आप परचेस कर रहे हो गुड्स, तो भी ई वे बिल आपने इशू करने चाहिए. तो ये सारा चीज है. ट्रांसपोर्ट की तो ट्रांसपोर्टर की तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है ई वे बिल के बारे में, तो ट्रांसपोर्टर को तो ई वे बिल के बारे में पूरे मालूम होना बहुत जरूरी है. तो इसलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा ई वे बिल के बारे में लोग देखेंगे, इसकी व्यवस्था आप खुद कीजिए और ई वे बिल के बारे में जो भी नॉलेज इन्फॉर्मेशन है वो शेयर कीजिए, एक्सचेंज कीजिए और गवर्नमेंट को ई वे बिल इम्प्लीमेंट करने के लिए कोऑपरेट कीजिए. धन्यवाद.